हमें आज प्लांट हॉर्मोन्स के जितने क्वेश्चन है सारे करने हैं। आपने ये वर्ड सुने होंगे, देखिएगा समझिएगा इधर चीजों को, हेलो हाय थैंक्स टू थैंक्स फॉर विशिंग मी, उसके अलावा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हम बहुत सारे हॉर्मोन्स के बात सुनते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स में हॉर्मोन होते हैं ना, जैसे ह्यूमन बींग में मेलेनिन है, मेलाटोनिन है, सोम्फेट्रिक हॉर्मोन है, एड्रेनिल है, ये हमारे शरीर का विकास करते हैं। ऐसे ही प्लांट भी एक क्या है, जीवित वस्तु है, ठीक है, जीवित है, ठीक है, इस वजह से उसमें भी हॉर्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं। हमने एक क्लास में पढ़ा था कैम्बियम सेल जो थिकनेस बढ़ाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे हॉर्मोन है, इथाइलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोसिन हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं, प्लांट हॉर्मोन और एनिमल हॉर्मोन का। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, इस पे कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या है बच्चों। सवाल का आपने पहले ही सवाल का आंसर गलत बता दिया, बच्चों ने कह दिया आंसर ए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्लांट का कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो पत्तों को या जो फसल उगाई जाती है उसको गिरने से बचाता है, बताइएगा कौन सा है पॉजिटिव हॉर्मोन जो बचाव करता है। क्या ए है इसका आंसर? बिल्कुल नहीं है इसका आंसर, साइटोकिनिन इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? सी है इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। ऑक्सिन की वजह से क्रॉप्स की बात हो रही है, क्रॉप्स की बात हो रही है, जो जितनी भी फसल होती है उसको बचाता है कौन? ऑक्सिन बचाता है, ध्यान रखिएगा। आंसर इज सी नॉट ए। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऑप्शन थोड़े ना कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सारे प्लांट के क्वेश्चन हॉर्मोन्स जितने भी हैं ना सारे खत्म करेंगे आज ही। कौन सा ऐसा हॉर्मोन है, प्लांट हॉर्मोन है, जो कि गैसेस फॉर्म में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो गैसेस के रूप में पाया जाता है, बताइए, कमेंट करके बताओ, गैस फॉर्म में कौन सा होता है? शेयर कर दो इस वीडियो को और इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इथाइलीन। आपने सुना होगा इथाइलीन क्या है, फलों को पकाता है, ठीक है, जैसे फूड स्टोरेज हाउस होते हैं ना, मंडी में जो फूड फ्रूट जाता है, ठीक है, वो फ्रूट क्या होता है, कच्चा तोड़ा जाता है पेड़ में से, ठीक है, उसके बाद उसे जहाँ पे स्टोरेज हाउस में लेके जाता है वहाँ पे उसे इथाइलीन यूज करते हैं जिसकी वजह से, गैसेस की वजह से वो पकते हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या है? इथाइलीन। ये किस फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म में होता है। क्लियर, क्लियर है तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी बात पे साथ के साथ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें इसके साथ। बफरिंग हो रही है, नेट थोड़ा सा खराब होगा, अभी रिफ्रेश करिए हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट सवाल, ऐसा कौन सा हॉर्मोन है जो फलों को पकाता है? विच प्लांट हॉर्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, बताइएगा कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो फलों को पकाता है। अभी हमने सवाल पढ़ा इससे पहले, इससे दूसरा जो सवाल था, दूसरा सवाल था ना जो हमने, जिसमें कहा कौन सा गैसेस फॉर्म में आता है, मैंने बताया भी उसके साथ कि फलों को पकाने के लिए फूड स्टोरेज हाउस में यूज भी किया जाता है। क्या इसका आंसर? ए है, इथाइलीन ही ऐसा हॉर्मोन है जो हम फलों को पकाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। इसी बात पे नेक्स्ट सवाल, सारे हॉर्मोन के क्वेश्चन होंगे आज, सभी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्लांट हॉर्मोन में जो आरएनए बनता है, जेनेटिक मटेरियल बनता है, जेनेटिक मटेरियल है ना आरएनए, पूछा गया है प्लांट हॉर्मोन में जो आरएनए बनता है और जो प्रोटीन बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है, कौन से हॉर्मोन की हेल्प से बनता है, बताइएगा कमेंट करके बताओ, बताइएगा। मोहम्मद आसिफ, पुलिस ऑफ सेल प्रोटेक्शन गार्ड होता है, ठीक है, अराउंड लेयर जो होती है, सेल वॉल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब चीजें, बताइएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या है? कौन सा ऐसा हॉर्मोन है जो आरएनए और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है? साइटोकिनिन। आज इस क्लास के बाद
आप हर एक हार्मोन का नाम लिखेंगे और वो क्या काम करता है वो लिखोगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखें, जरूर करिएगा इस चीज़ को। आज कर लोगे ये टॉपिक ख़त्म है इधर ही, उसके बाद कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे हार्मोन का बता दूंगा। ठीक है, साइटोकिनिन आरएनए और प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, क्लियर। ठीक है, साइटोकिनिन डिफरेंस समझिए, ऑक्सिन और साइटोकिनिन ना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, सवाल थोड़ा बड़ा आ गया लेकिन जरूरी है ये सवाल भी। बताइएगा ऑक्सिन के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसमें से। देखो इस सवाल को थोड़ा बाद में करते हैं, पहले ना थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, करेंगे इस सवाल को भी। देखो पहले ये सवाल देखो, सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन बताइएगा, विच प्लांट हॉर्मोन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द प्लांट। अच्छा पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं, सवाल में जो वर्ड है ना इसको समझते हैं। डोरमेंसी का मतलब होता है किसी चीज की सुस्ती आना। ठीक है, सुस्ती आने का मतलब उसमें ग्रोथ होना बंद हो जाना। जब कोई प्लांट डोरमेंसी स्टेट में पहुंचता है ना तो उसकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा कौन सा हॉर्मोन है जो इस डोरमेंसी को खत्म करता है, यानी कि प्लांट की सुस्ती को खत्म करता है, जिस वजह से प्लांट दोबारा ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट की डोरमेंसी को खत्म करता है। कंसेप्ट मैंने अभी समझाया आपको, डोरमेंसी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ में रुकावटें आना, इस रुकावट को कौन हटाता है। कमेंट करके आंसर बताइएगा, आंसर क्या है, सिक्स का आंसर क्या है बताइएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या है, आंसर क्या है इसका, गिब्रेलिन। गिब्रेलिन जो है डोरमेंसी को खत्म करता है। हर एक हार्मोन पे कुछ पर्टिकुलरिटी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी है इसका आंसर, जिब्रेलिन। ठीक है, हमने यानी कि ऑक्सिन के बारे में भी पढ़ लिया अभी तक, इस हार्मोन को भी देख लिया, साइटोकिनिन का भी क्वेश्चन आ गया, इथाइलिन के भी दो क्वेश्चन आ गए हमारे। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल देखेंगे नेक्स्ट, विच हार्मोन इज फॉर्म्ड इन लीव्स। बताइएगा ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फूल जो खिलता है ना, एकदम से फूल जो ब्लूम होता है खिलता है, ठीक है, लीव्स जो खिलती हैं उस वो किसकी वजह से होता है, किस हार्मोन के प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। बताइएगा किस हार्मोन के प्रोड्यूस होने की वजह से फूल खिलता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, फूल खिला गुलाब का, कुछ ऐसे कुछ शायरी है, पता तो है नहीं, हम इतने बड़े शायर तो है नहीं कुछ। ठीक है, लेकिन हम इसका जवाब जरूर बता सकते हैं। सेवन का आंसर क्या है, वर्ड से ही याद आ रहा है, देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है हमें, इसमें वर्ड देखो, फ्लोर, फ्लोरिजन है जिसकी वजह से, फ्लावर से रिलेटेड है फ्लोरिजन। ठीक है, इसका आंसर क्या है, फ्लोरिजन, फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से फूल और पत्ते खिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है चीज़ों को, हमें कुछ ना कुछ लिंक बना के याद रखना है, ऐसे नहीं कि बस एक बारी पूरी लिस्ट याद करने लगे दूसरे दिन भूल जाओगे, किसी लिंक से याद रखोगे ना तब याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी बात पे, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है प्लांट हार्मोन में जो इंजरी सेल है, बताइएगा ऐसे कौन से हार्मोन है जिससे प्लांट में जितनी भी तरीके की इंजरी होती है, मतलब टिलिंग होगी, टूट गई टहनी, ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, बताइए कौन सा हार्मोन है जो एक तरीके से मेडिसिन का काम करता है प्लांट के लिए, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में मेडिसिन का काम करता है, बताइएगा। आपने जिसने सिर्फ पांच टाइप के पढ़े हैं वो आज की क्लास में और भी टाइप के हार्मोन पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि टॉपिक स्टडी की क्लास है, यहाँ पे सिर्फ वही चीजें नहीं आती जो हर जगह पूछ मतलब बताई जाती है। ठीक है, क्या है इसका आंसर, ट्रोमेटिक हार्मोन। ट्रोमेटिक हार्मोन ऐसे हार्मोन है जो प्लांट के लिए दवाई का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ट्रोमेटिक हार्मोन, क्लियर है ये चीज। आंसर क्या है, बी है इसका आंसर। इसी बात पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो अभी तक हमने ना बहुत सारे हार्मोन पढ़े हैं, ऑक्सिन पढ़ लिया, जिब्रेलिन पढ़ लिया, साइटोसिन पढ़ लिया,
ठीक है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया, फ्लोरिजिन क्या भी ऊपर पढ़ लिया, फूल खिलते हैं इसी से, ट्रोमेटिक भी पढ़ लिया, मेडिसिन है किसके लिए, प्लांट के लिए। एक और भी पढ़ा हमने अभी, कौन सा पढ़ा था, ऑक्सिन, जिब्रिलिन, इथाइलिन भी पढ़ लिया। तो ये सब हमने हार्मोन पढ़ लिए, इनके जो काम है ये भी पढ़ लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनकी लिस्ट जरूर बनाइएगा क्लास के बाद, लिस्ट जरूर बनाइएगा, या तो पीडीएफ में से क्वेश्चन को 2-3-4 बारी रिपीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन करता है प्लांट में, बताइएगा कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन करता है प्लांट में। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, आंसर क्या है, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन हार्मोन सेल डिवीजन करता है, जो कोशिकाओं का जो विभाजन होता है ना पौधों में, वो किसकी वजह से होता है, साइटोकिनिन की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मैंने ये वर्ड कहीं पे आपको पढ़ाया है, कैम्बियम। सवाल देखिएगा, कैम्बियम, कैम्बियम सेल हमने एक क्लास में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको प्लांट सेल सिस्टम में पढ़ाया था। कैम्बियम सेल क्या करते हैं, जो प्लांट पौधों का जो तना होता है ना, जो स्टेम होती है, उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं, उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। अब आपसे सवाल पूछा गया है, प्लांट में ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कैम्बियम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कि जो कैम्बियम काम करता है ना, उस एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, उस गतिविधि को बढ़ावा देता है, बताइए इस सवाल का जवाब, बताइए कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कैम्बियम सेल की एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक थोड़ा मुश्किल भी, मुश्किल सवाल भी आने चाहिए आपको, ठीक है। पेपर में वही सिलेक्शन ले रहा जो मुश्किल सवालों को भी सही कर रहा है, क्योंकि आसान सवाल को सारे ही सही करने वाले हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया ना पेपर में, सभी को पता, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। गोल्गी अपार्टस आ जाता तो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, वही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। आंसर क्या है इसका, जिब्रिलिन है इसका आंसर, ये कैम्बियम सेल की जो पूरी एक्सरसाइज है उसको बढ़ावा देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये सवाल कराया हुआ, थोड़ी सी रिपीटेशन सवाल की। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है, भारी परत होती है, वो किसकी बनी होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल स्ट्रॉन्ग बनते हैं। भाई शेयर करो इस वीडियो को, लाइक कर दो इस वीडियो को, 76 बच्चे देख रहे हैं, शेयर करो इस वीडियो को, लिंक भेजो इसका, ठीक है। 15 मिनट हैं अभी, और भी बहुत सारे चीजें हैं, पीडीएफ मिल जाएगी कुछ बच्चों को। सेलुलोज की वजह से प्लांट सेल वॉल किसकी बनती है, सेलुलोज की बनती है, जो कि प्लांट सेल को स्ट्रोंग बनाती है। हम स्ट्रोंग नहीं है, प्लांट्स ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, उनकी आउटर जो लेयर होती है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी है इसका आंसर। इसी बात पे डिसीज के क्वेश्चन आ गए। अब 15 मिनट हमने किए हॉर्मोन्स के क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन थे, सारे कवर कराए उन क्वेश्चन के थ्रू। अब डिसीज की बारी आई, क्योंकि प्लांट में बहुत सारी डिसीज होती है। देखिए सवाल देखिएगा, कौन सी ऐसी डिसीज है, बताइए ऐसी कौन सी डिसीज है प्लांट में जिसे हम रिंग डिसीज कहते हैं, बताइएगा ऐसी कौन सी डिसीज है जिसे प्लांट में हम रिंग डिसीज कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। कौन सी डिसीज है, आंसर क्या है इसका, विल्ट ऑफ पोटैटो, जो आलू होता है उसके अराउंड ना ऐसी ऐसी रिंग्स बन जाती हैं, ठीक है, उसे हम ना क्या कहते हैं, रिंग डिसीज कहते हैं। आलू के ऊपर क्या है, रिंग डिसीज बनती है, ठीक है। रिंग डिसीज किससे रिलेटेड है, पोटैटो से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है ये चीज, सी है इसका आंसर 12th का। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा 13th क्वेश्चन, नेम द डिसीज इन विच लार्ज येलो स्पॉट इज अपियर ऑन द लीव। आप देखते हो कभी कभी धूप के बाद ना पत्तों के ऊपर ना ऐसे कुछ येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं कहीं ना कहीं। अब आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी डिसीज है, किसकी वजह से, कौन सी डिसीज की वजह से पत्तों के ऊपर येलो कलर के स्पॉट बन जाते हैं, और ये येलो कलर के स्पॉट ज़्यादा धूप की वजह से बनते हैं, उसके बाद ये ब्राउन हो जाते हैं और पत्ता खराब हो जाता है। पूछा गया ये डिसीज कौन सी है, बताइएगा कौन सी डिसीज है ये। 13th का आंसर क्या है, बैक्टीरियल ब्लाइट, क्योंकि इन पत्तों में बैक्टीरिया लग जाते हैं, ठीक है, ब्लाइट डिसीज होती है, ठीक है।
जिसकी वजह से फसल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फसल होती है ना, जैसे चावलों की फसल होगी उसमें ब्लाइट हो जाती है, ब्लाइट डिसीज़ कहते हैं जिसे, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। पत्तों पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसका। आंसर क्या है इसका? ए है बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं इसी बात पे। 14th क्वेश्चन, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे बनाना के क्वेश्चन, बनाना का जो पेड़ होता है, वैसे वो एग्जैक्टली बनाना का पेड़ नहीं होता, टर्म गलत है। पूछा गया है बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिसीज इज कॉज ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से। बंची टॉप बनाना डिसीज का मतलब बता देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बनाना का पूरा जो पेड़ होता है ना, उसकी हाइट ना बहुत ज़्यादा ना होके ना बहुत कम रह जाती है, हाइट बहुत कम रह जाती है, और उसके जो पत्ते होते हैं, जो उसके घिराव होता है ना, वो एकदम इकट्ठा हो जाता है, फैलने की जगह इकट्ठा हो जाता है, इस डिसीज़ को हम कहते हैं। अब आपसे पूछा गया ये डिसीज़ किसकी वजह से होती है, बताइएगा किसकी वजह से होती है डिसीज, कमेंट करके बताइए। 14th का आंसर क्या है? 14th का आंसर है सी, वायरस की वजह से। प्लांट में वायरस चल जाता है जिसकी वजह से ये डिसीज होती है, और जो बनाना है उसकी जो प्लांट है उसकी जो हाइट है वो बहुत कम रह जाती है, ठीक है, बढ़ती नहीं है, ग्रोथ नहीं होती हाइट में, ठीक है। थोड़ा डिसीज के साथ ना पता होना चाहिए कि भैया वो डिसीज है किस तरीके की, उससे होता गया प्लांट पे, तब आपको जल्दी याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बताइए ऐसा कौन सी डिसीज है जिसमें जो प्लांट टिश्यूज है उनपे बाउंस आ जाते हैं। आप देखते हो प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उसमें बहुत जगह ना ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, डार्क हो जाता है, यानी कि वो जो टिश्यू है वो खराब हो गया एक तरीके से, उस जगह की जो उत्को होती है, ठीक है, वो खराब होगी, ठीक है। अब पूछा गया किस वजह से, कौन सी डिसीज है ऐसी, बताइएगा। 15th का आंसर क्या है? आंसर क्या है? ग्रे मोल्ड, ग्रे मोल्ड, ग्रे मोल्ड डिसीज है जिसकी वजह से प्लांट के टिश्यूज क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। टायरलेस सोल क्वेश्चंस आर लिटल हार्ड, इट्स नॉट लिटल हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, बट आपको टॉपिक स्टडी पे पढ़ना है इस चीज को, जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब आते हैं ना, कुछ ही बच्चों का आते हैं उसके आंसर। अब जिसको आंसर आएंगे वो कर देगा उस क्वेश्चन को, और बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं। एनटीपीसी का जो पेपर होगा ना, वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर किसी बच्चे को 40 में से 20 क्वेश्चन साइंस के आए हैं, 20 में से किसी बच्चे को 16 आते हैं, किसी बच्चे को 17 आते हैं, मानिए इस बात को, 17 वाले को सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि एक नंबर का भी हेर फेर बहुत काफ़ी है एनटीपीसी के पेपर जो होने वाला है। इसलिए हर क्वेश्चन पे फोकस करिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी बात पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आ गया आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17th, ठीक है, ये देखिएगा 17th क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है, प्लांट का क्लोरोफिल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, किस डिसीज के कारण से। क्लोरोफिल पता है ना आपको, जिसमें मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल जिससे सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी होती है, ठीक है। बताइए कौन सी ऐसी डिसीज है जिसकी वजह से क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है लीव्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिसीज से रिलेटेड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आसान है, क्लोरोफिल से रिलेटेड पूछा जा रहा है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई मुश्किल टर्म नहीं है। कमेंट करके बताइएगा ऐसी कौन सी डिसीज है जिसमें क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है पत्तों का। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर बताइएगा। आंसर क्या है? कुछ बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया है, शाबाश। आंसर क्या है? मोसाइक डिसीज ऑफ टोबैको, ठीक है, टोबैको प्लांट में जो मोसाइक डिसीज होती है उसमें क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लियर है ये चीज। और कुछ बच्चे हमारे टॉपिक स्टडी पे इंटेलिजेंट भी है, मानने वाली बात है, शाबाश, ऐसे ही तैयारी करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा, बड़ी आसानी से सिलेक्शन होगा एनटीपीसी में, ठीक है। अपना जो प्लस कोर्स आ रहा है उसमें मैं आपको साइंस का पूरा कोर्स खत्म कराने वाला, पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सब कुछ, उस कोर्स को लीजिएगा। कोर्स का जो कोड है वो क्या है, स्टडी 10, इसका कोड है, अनअकैडमी पे प्लस में ये कोर्स आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी बात पे। नेम द डिसीज इन द प्लांट,
ऐसा कौन सी डिसीज है, देखो हमने अभी तक जो डिसीज पढ़ी ना उनमें ना अलग अलग पार्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन एक ऐसी डिसीज है जिसकी वजह से लीव्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी ख़राब होती है, पत्तों पे भी, ब्रांच जो शाखाएं हैं उन पर भी, जो फल होते हैं प्लांट में उन पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसी कौन सी डिसीज है बताइएगा, कमेंट करके आंसर करिएगा और लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो इस वीडियो को, जिससे अभी कोई लाइव नहीं देख पाए तो वो आगे जाके उसे देख पाए और हॉर्मोन्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को पढ़ पाए, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी होती है, बच्चों को पता चल जाता है फिर। ऐसी कौन सी डिसीज़ है बताइएगा, 18th का आंसर क्या है, ध्यान रखिएगा। सिट्रस कैंकर ऐसी डिसीज़ है जिसमें प्लांट के तीनों पार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, पत्तों पे भी, जो शाखाएं हैं उन पर भी, और जो फल होते हैं उन पर भी, ठीक है। सिट्रस कैंकर नाम की डिसीज़ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लोरोफिल वाला और ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन ज़रूरी हैं, ठीक है। और जो हॉर्मोन्स पढ़ाए वो तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। ऐसी कौन सी डिसीज है बताइए, पौधों में एक बीमारी का नाम बताए जिसमें पत्तियों के नीचे की तरफ वृद्धि आ जाती है, मतलब जो जो नीचे पत्तियों का जो नीचे का पार्ट है ना उस पर सनलाइट नहीं पड़ेगी, तो ऑब्वियसली डिसीज तो होगी किसी न किसी, क्योंकि पत्तों को क्या चाहिए, सिर्फ धूप चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। बताइए कौन सी डिसीज है ऐसी, क्वेश्चन नंबर 19, आंसर क्या है, स्पाइडर माइट्स कहते हैं इन्हें, स्पाइडर माइट्स, मकड़ी की कुटकी होती है, ठीक है, इस डिसीज को हम क्या कहते हैं, स्पाइडर माइट्स। लास्ट क्वेश्चन है अपने सेशन का, देखिएगा, इन विच डिसीज ऑफ द प्लांट स्टेम रोट रूट एट द सोयल, रूट है ये, रोट नहीं है, क्या है इसका, रूट है, ठीक है, जड़ें जो होती हैं, बताइए कौन सी डिसीज है, कमेंट करके बताइए 20 का आंसर क्या है। 20 का आंसर है राइजोकोटानिया, ठीक है, राइजोकोटानिया। बहुत मुश्किल क्वेश्चन थे, लेकिन मैं बता रहा हूं ये जो टॉपिक है प्लांट हॉर्मोन्स का, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, इन 20 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसी न किसी एनटीपीसी और ग्रुप डी में, जरूर मिलेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि एनटीपीसी में सारे ही साइंस और ग्रुप डी में भी सारे ही साइंस आने वाला है, ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसमें हमने ये पढ़ लिया प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है। अभी जो हमारी 8:30 बजे वाली क्लास है, 8:30 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको फूड कंजम्पशन, जो मैंने आपको पहली क्लास कराई थी क्लास, उसका सेकंड पार्ट कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको विटामिन सारे समझाऊंगा, फैट्स सारे समझाऊंगा, A to Z जितने भी क्या बोलते हैं फैट से रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती हैं, विटामिन से रिलेटेड, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे 8:30 बजे वाली क्लास में, सभी आइएगा, ठीक है। आज का सेशन इधर ही ख़त्म करते हैं, वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।